हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आइए हम देखते हैं पहले से दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या हैं, ए बी इक्वल टू नॉट जीरो। दो चरों एक्स और वाई, ये जो एक्स और वाई हैं चर हैं और ए बी सी वास्तविक संख्या हैं, में एक रैखिक समीकरण कहलाती है। अर्थात दो चरों एक्स तथा वाई में एक रैखिक समीकरण कहलाती है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ए तथा बी दोनों शून्य नहीं होने चाहिए। इसको प्राय हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो से भी प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म दो चरों वाले युगपत रैखिक समीकरण निकाय बनाते हैं। जैसे उदाहरण x प्लस टू वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 5। या सेकंड है 5u प्लस 3v, यू एक्स वाई में है, यू यू वी में है, बराबर 16। और 3u प्लस 6v बराबर 18। तथा इन दो चरों वाले रैखिक युगपत रैखिक समीकरण में x तथा y के मानों का वह युग्म जो दिए गए युगपत समीकरण युग्म के दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो, उन रैखिक समीकरण को हल कहलाता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण फर्स्ट दिया है, दिखाइए कि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 युगपत समीकरण युग्म, ये युगपत से समीकरण रेखीय युग्म दे रखा 2x प्लस 7y बराबर 11 है और x माइनस 3y बराबर 5 है का हल नहीं है। ये दिखाना है, ये हमें सिद्ध करना है जब x बराबर 2 और y बराबर 1। ये समीकरण 2 दे रखे हैं, अब इसमें हम x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 2, यानी कि पहली समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे हम। यहाँ पर रखा 2 × 2 प्लस 7 × 1, तो 2 × 4 और 7 × 7 11 आ गया, और इसके बराबर 11 है, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, बाया पक्ष दाया पक्ष। अब समीकरण 1 में रखा, अब समीकरण 2, अब x तथा y के ये मान समीकरण 2 में रखेंगे, x माइनस 3y बराबर 5, ये समीकरण 2 है, x की जगह 2 रखा है और y की जगह 1, तो 2 × 2 और 3 × 3 बराबर 5 है, 2 − 3 − 1, तो इधर -1 है, इधर 5 है, तो यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं है। तो आज इसे देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। थैंक यू।